हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने उस खाओ चैनल में और मैं हूँ दीम खान। दोस्तों, आज के टाइम में हम सभी लोग एंड्रॉयड मोबाइल को यूज़ करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फ़ोन का स्क्रीन लॉक भूल जाते हैं और अपने फ़ोन की स्क्रीन लॉक को रिमूव करना चाहते हैं, स्क्रीन लॉक को तोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर लेकर के आया हूँ। ये सॉफ्टवेयर आता है पास फाइव कंपनी की तरफ से, इसका नाम है एंड्रॉयड अनलॉकर। आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी कंपनी के एंड्रॉयड मोबाइल के स्क्रीन लॉक को रिमूव कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक को तोड़ सकते हैं। आपने कैसा भी स्क्रीन लॉक सेट किया हुआ हो, चाहे पैटर्न लॉक हो, पिन लॉक हो, पासवर्ड लॉक हो, फिंगरप्रिंट लॉक हो, फेस लॉक हो, हर तरीके के स्क्रीन लॉक को आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से रिमूव कर सकते हैं। हर तरीके के स्क्रीन लॉक को आप तोड़ सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से। इवन जो FRP लॉक होता है, सैमसंग अकाउंट, गूगल अकाउंट, अगर आपके फ़ोन पर FRP लॉक लगा हुआ है तो आप FRP लॉक को भी रिमूव कर सकते हैं। FRP लॉक को भी आप बाईपास कर सकते हैं बिना अकाउंट की ID पासवर्ड वगैरह के। तो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है स्क्रीन लॉक रिमूव करने के लिए, FRP लॉक रिमूव करने के लिए। तो इस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना, कैसे यूज करना, कैसे स्क्रीन लॉक रिमूव करेंगे, तो चलिए आपको लाइव सब कुछ करके दिखाते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको फ्री ट्रायल पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल पर क्लिक करना है तो सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल होने लगा है। तो आपको पासफाइव एंड्रॉयड अनलॉकर को ओपन कर लेना है। अगर आपके मोबाइल पर FRP लॉक लगा हुआ है, सैमसंग अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट की ईमेल आईडी पासवर्ड मांग रहा है, तो आप उसको रिमूव करने के लिए रिमूव गूगल लॉक इस वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ से आप सैमसंग अकाउंट, गूगल अकाउंट को बाईपास कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं बिना आईडी पासवर्ड के। अगर आपके मोबाइल पर स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, आप स्क्रीन लॉक को रिमूव करना चाहते हैं, स्क्रीन लॉक तोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए रिमूव स्क्रीन लॉक इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है जिसका स्क्रीन लॉक आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आपको रिमूव स्क्रीन लॉक विदाउट डाटा लॉस इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहां से आप सैमसंग मोबाइल के स्क्रीन लॉक को रिमूव कर सकते हैं और फ़ोन से कोई भी फोटो, वीडियो, कोई भी डाटा कुछ भी डिलीट नहीं होगा। अगर आपके पास सैमसंग के अलावा किसी और दूसरी कंपनी का मोबाइल है, तो आपको रिमूव स्क्रीन लॉक इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेरे पास सैमसंग का मोबाइल नहीं है, एयरटेल का मोबाइल है, तो हम रिमूव स्क्रीन लॉक इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि आपको अपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है डाटा केबल लगा करके, तो हम कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला मोबाइल है जिसका स्क्रीन लॉक मुझे रिमूव करना है, स्क्रीन लॉक तोड़ना है। यहाँ पर ये स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, तो हम इसमें डाटा केबल लगा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर बता रहा है कि आपके फ़ोन से सारा डाटा, जो भी फोटो, वीडियो सब कुछ है, वो डिलीट हो जाएगा, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि आपको किस तरीके से स्क्रीन लॉक को रिमूव करना है। तो सबसे पहले लिखा है लॉन्ग प्रेस द पावर बटन टू पावर ऑफ द डिवाइस। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आफ्टर टर्निंग ऑफ द डिवाइस प्रेस द होल्ड पावर प्लस वॉल्यूम ऑफ बटन एट द सेम टाइम। और यहाँ पर लिखा है व्हेन योर डिवाइस लॉग अपर रिलीज ऑल बटन एंड डिवाइस इनटू द रिकवरी मोड। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आपको अपने फ़ोन को सबसे पहले स्विच ऑफ कर देना है, तो हम स्विच ऑफ कर देते हैं। तो स्विच ऑफ कर दिया है। अब स्विच ऑफ के बाद दूसरा ऑप्शन है, आपको अपने फ़ोन को पावर बटन और वॉल्यूम प्लस बटन को दबा करके रिकवरी मोड में जाना है। तो मेरे एयरटेल का फ़ोन इसमें वॉल्यूम प्लस बटन से नहीं आते हैं, माइनस बटन से रिकवरी मोड में जाते हैं, तो हम दोनों को दबाते हैं। तो पावर बटन दबा लिया, माइनस बटन दबा दिया, दोनों को एक साथ दबाते हैं। लोगो आ गया है, तो पावर बटन को छोड़ देना है। लोगो आते ही फ़ोन का लाइट बंद होते ही रिकवरी मोड में आप पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दूसरे इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं, जो जो भी इंस्ट्रक्शन बताए वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको आपको क्या करना है, यहाँ पर पावर बटन से ओके होगा, वॉल्यूम माइनस और प्लस बटन से अप डाउन होगा, तो माइनस से नीचे बढ़ के आना है। बैक डाटा फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन पर आकर के आपको पावर बटन को दबा देना है। फैक्ट्री डाटा रीसेट, तो आपको वॉल्यूम माइनस से नीचे आना है और फैक्ट्री डाटा रीसेट पर आकर के आपको पावर बटन को दबा देना है। दबा दिया है। अब यहाँ पर वाइपिंग डाटा चल रहा है, देख सकते हैं नीचे चल रहा है।
तो वाइप डाटा हो चुका है, लिखा है वाइप डाटा कंप्लीट। तो अब आपको क्या करना है, रिबूट सिस्टम नाउ, इस पर इसको रखना है और आपको पावर बटन को दबा देना है। तो देख सकते हैं हमारे फ़ोन का स्क्रीन लॉक रिमूव हो गया है। लैपटॉप में बता रहा है रिमूव द स्क्रीन लॉक सक्सेसफुली, और फ़ोन का स्क्रीन लॉक रिमूव हो गया है। अब स्क्रीन लॉक रिमूव होने के बाद, स्क्रीन लॉक टूटने के बाद जो भी सेटिंग वगैरह होती है वो सब कुछ करना होगी। तो सेटअप कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ़ोन का स्क्रीन लॉक रिमूव हो गया है, स्क्रीन लॉक टूट गया है। इस तरीके से फ़ोन को लॉक कर देते हैं। देख सकते हैं पूरे फ़ोन का स्क्रीन लॉक टूट गया, अब कहीं पर भी स्क्रीन लॉक नहीं बचा है। तो इस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ही आसानी से किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल के स्क्रीन लॉक को रिमूव कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक को तोड़ सकते हैं। गूगल अकाउंट, सैमसंग अकाउंट को भी आप बाईपास कर सकते हैं, उनको भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा है, आप इसको बाय करना चाहते हैं, तो पासफाइव बैक टू बैक स्कूल एजुकेशन ऑफर गिवे सेल चल रहा है, जिसमें पासफाइव के सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर आपको मिल जाएंगे। देख सकते हैं 80% ऑफ है। फोर बिन की, आईफोन अनलॉकर, एंड्रॉयड अनलॉकर, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप बाय करते हैं तो उसके साथ में आपको पासफाइव स्क्रीन रिकॉर्डर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा मौका है, कोई भी सॉफ्टवेयर को बाय कर लो, फ्री में स्क्रीन रिकॉर्डर आपको मिल जाएगा। या फिर आप सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डर को बाय करना चाहते हैं तो $5 में इसको बाय कर सकते हैं। इस पेज का लिंक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।